नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो काफी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि इंसान के लिए शाकाहारी खाना ठीक है या फिर मांसाहारी। दोनों के अपने तर्क हैं, लेकिन अब एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि शाकाहारी लोगों के बायोमार्कर प्रोफाइल मांसाहारी लोगों की तुलना में ज़्यादा स्वच्छ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि शाकाहारी लोगों को गंभीर बीमारियों का खतरा मांसाहारी लोगों की तुलना में कम होता है। बता दें कि किसी भी इंसान के बायोमार्कर्स का अच्छा होना उस इंसान की अच्छी सेहत का कारण माना जाता है। आमतौर पर शरीर में डाइट और हमारे सेहत के बारे में जानने के लिए डॉक्टर्स बायोमार्कर टेस्ट कराते हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिकों ने अपनी ताज़ा रिसर्च में दावा किया है कि शाकाहारी लोगों के बायोमार्कर ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसका मतलब शाकाहारी लोगों का स्वास्थ्य मांसाहारी लोगों की तुलना में ज़्यादा ठीक होता है। वैज्ञानिकों ने 1,77,000 लोगों पर रिसर्च किया। इसमें शामिल होने वाले लोग 27 से 70 साल की उम्र के बीच में थे। रिसर्च में शाकाहारी लोगों के दिल की बीमारियों और कैंसर का खतरा मांसाहारी लोगों की तुलना में कम पाया गया। शाकाहारी लोगों में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में पाया गया। साथ ही शाकाहारी लोगों का लीवर भी मांसाहारी लोगों की लीवर की तुलना में ज़्यादा बेहतर था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई बीमारियाँ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल की बीमारियाँ और कुछ टाइप के कैंसर का संबंध हमारे खाने पीने की आदतों से होता है। रिसर्च के अनुसार मांसाहारी लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। इसी कोलेस्ट्रॉल के चलते हमारी रक्त कोशिकाओं में ब्लॉकेज हो सकती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि मीट को अपने आहार से पूरी तरह निकाल देना भी ठीक नहीं है। हाल उन्होंने रेड मीट के बजाय चिकन फिश मीट को ज़्यादा ठीक बताया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।